जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की मौत का पहला बदला आखिरकार सेना ने ले लिया। सुरक्षा बलों ने भी जैश ए मोहम्मद के दो कमांडरों को 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया, लेकिन इस मुठभेड़ में चार जवान भी शहीद हो गए। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश में आतंक के खिलाफ आक्रोश सड़कों पर दिख रहा है। वहीं पुलवामा में रविवार को सेना ने एक्शन ले लिया। रात 1:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में कई घंटों तक फायरिंग होती रही, फिर सुरक्षा बलों ने उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकी कामरान उर्फ गाजी राशिद इस एनकाउंटर में ढेर हो गया। वह पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसने ही सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि सेना को पुलवामा के पिंगलीना में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और एसओजी ने घेर कर रात भर में ही उन्हें मार गिराया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के चार जवान शहीद हो गए। इनमें एक मेजर रैंक का अफसर भी शामिल थे। शहीद हुए जवानों में मेजर डीएस डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेव राम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह है। सूत्रों की मानी जाए तो आतंकी गाजी एक घर के अंदर छिपकर लगातार फायरिंग कर रहा था। सेना ने उसे घेरा और जमकर फायरिंग की। रात में कुछ देर फायरिंग रोक दी गई, लेकिन सुबह अचानक आतंकियों ने दोबारा फायर किए। इसमें चार जवान शहीद हो गए। हमले का मास्टरमाइंड गाजी रशीद लोगों की आड़ में घरों में ही छिपा हुआ था। वह पिछले साल कथित तौर पर घुसपैठ कर दक्षिणी कश्मीर में पहुंचा और यहीं से वह कई आतंकी वारदात को अंजाम देने में सफल रहा था। एनकाउंटर खत्म होने के बाद कुछ ही देर में पत्थरबाज सड़कों पर उतर आए। सेना ने उनसे वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में यह सामने आया कि एनकाउंटर में मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी के साथ आतंकी हिलाल भी मारा गया है। वह पुलवामा का रहने वाला था और आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस को AK-47 समेत कई हथियार मौके से बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।